बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूँ असरा अनवर। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नगेट्स को हमने किस तरह से फ्राई करना है। तो नगेट्स फ्राई करने के लिए हमने कौन सी बातों का ख्याल रखना है। नगेट्स फ्राई करना तो हर इंसान को आते होंगे, हर बंदा इसके बारे में जानता होगा। आप भी सोचेंगे कि ये हमारे लिए किस तरह की रेसिपी ले आई कि हमें कौन सा इन बातों का नहीं पता। लेकिन अक्सर लोग इन बातों को नहीं जानते जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने ये नगेट्स निकाले हैं फ्रीज़र से। फ्रीज़र से निकालने के बाद अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हैं और उसमें फ्राई करना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमने ऐसा करना है कि फ्रीज़र से नगेट्स निकाले हैं, इसको हमने ओवन में 30 सेकेंड के लिए लगाना है। इनको ओवन में 30 सेकेंड के लिए हमने गर्म करना है ताकि इसकी बर्फ़ ख़त्म हो जाए। इसकी अगर बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी तो ये बहुत अच्छे से अंदर से पक जाएंगे। लोग ऐसा करते हैं कि फ्रीज़र से निकालते हैं और फौरन ऑयल के अंदर डाल देते हैं। वो ऊपर से तो पक जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसको मैं लगाती हूँ ओवन और आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने 30 सेकंड के लिए इनको ओवन में रखा था और ये देखिए इसकी ना बर्फ़ जो है वो अच्छे से ख़त्म हो गई है। ये बहुत ही नरम से हो गए हैं। अब हमने करना है थोड़ा सा ऑयल को गरम, बहुत ज़्यादा नहीं कर लेना और बहुत थोड़ा भी नहीं करना, दरमियाना सा हमने ऑयल गरम करना है। तो इसमें नगेट्स डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऑयल दरमियाना सा गरम हो गया है, जो कि ना के बहुत ही ज़्यादा गरम है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। इस तरह से हमने सारे नगेट्स इसमें डाल देने हैं। जैसे ये एक साइड से हल्के से गर्म होना शुरू हो जाए, यानी कि थोड़े से पकना शुरू हो जाए, तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक साइड से पकना शुरू हो गया है, तो हमने इनको हल्का से ही पका के इनकी साइड चेंज करनी है। इस तरह से सबकी साइड चेंज कर लें। मैं सबकी साइड चेंज करके आपको दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सबकी साइडें चेंज कर ली है। ये एक साइड से हल्के से पके हैं। तो अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। तो मैं 4 से 5 मिनट तक फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो 4 से 5 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हम सबकी साइड चेंज कर देंगे। इस तरह करने से नगेट्स अंदर से पक जाते हैं, अंदर से पानी नहीं छोड़ते, अंदर से अच्छे से पके होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नगेट्स बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। मैं एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। मैंने निकाल लिया है इनको एक प्लेट में। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे नगेट्स हो गए हैं फ्राई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, आपको मेरा फ्राई करने का तरीका पसंद आए, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। असरा अनवर की तरफ से अल्लाह हाफिज़।